हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए गुड़ और सूजी की टेस्टी गुजिया की रेसिपी लेके आई हूँ, तो जिसको बनाना भी बहुत आसान है दोस्तों और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी गुड़ लिया है और हाफ कटोरी बूरा लिया है और हाफ कटोरी मावा है और एक कटोरी भुना हुआ सूजी है। ये देखें दोस्तों, गुड़ को मैंने थोड़ा महीन महीन कर लिया है और सूजी को भी मैंने भून करके उसको भी ठंडा कर लिया है। गरम मावा में हमें इन सब चीज़ों को नहीं मिक्स करेंगे दोस्तों। जब ये ठंडा हो जाएगा सूजी, तब हम इसमें सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। तो चलिए अब हम इसको मिक्स करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बॉल लिया हुआ है और बॉल में मैं डालूंगी सूजी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बॉल में सूजी डाल दी है। उसके बाद मैं इसमें गुड़ ऐड करूंगी, जो मैंने गुड़ महीन महीन करके रखा था, और थोड़ा सा मैं इसमें बूरा ऐड करूंगी, यानी कि पिसी हुई चीनी। और अब मैं इसमें मावा ऐड कर दूंगी और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें बूरा हमें थोड़ा सा ही डालना है, नहीं तो ये ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसका मिक्सर रेडी कर लिया है। तो अब चलते हैं, हम आटा गूंद लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 300 ग्राम आटा लिया है और मैंने देसी घी से इसमें मोहन लगाया है। मोहन दोस्तों इतना लगाएंगे कि ये आसानी से आपस में मिक्स हो जाए। और अब हम इसको गूंद लेते हैं। चाहे तो आप दूध से गूंद सकते हैं या गुनगुने पानी से। तो इस तरह की मैं छोटी छोटी रोटियां बना लेनी हैं और एक एक करके सारी गुजियां भर लेनी है। ये देखिए, मैंने एक एक करके सारी गुजियों को भर लिया है और अब हम इन्हें सेकते हैं दोस्तों। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है और गैस का फ्लेम लो ही रहेगा। और मैंने इसमें दोस्तों देसी घी डाला है, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, घी गर्म हो चुका है और अब हम इसमें एक एक करके गुजिया डाल देते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं रखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, गुजियों को हम एक तरफ से सेंक लेते हैं और फिर दूसरी तरफ से सेंक लेंगे, लेकिन गैस का फ्लेम हमको बिल्कुल भी हाई नहीं करना है दोस्तों। तो ये देखिए, गुजिया हमारे अच्छे से सेक चुकी है और हम इनको निकाल देते हैं। तो ये गुजिया दोस्तों खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और आप इसको 2-3 हफ्ते तक आराम से बनाकर रख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।